हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवी एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी मूवी को देखने जा रहे हैं जिसमें हम समुद्र के एडवेंचर को देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जल और हवा के देव को देखते हैं जो कि रूप बदल सकता था और उसका नाम मावी है, और आज उसने प्रकृति का दिल चुरा लिया है। प्रकृति से चारों तरफ हरियाली है पर अब वो खंडहर बन जाती है, पर मावी भी बचकर नहीं निकल पाता। उसे पृथ्वी के लावा राक्षस का सामना करना पड़ता है और राक्षस उस पर ऐसा वार करता है कि वो गायब हो जाता है और उसका दिव्य शूल और प्रकृति का दिल समुद्र में खो जाता है। और ये कहानी दादी नन्हे बच्चों को सुना रही है और डरकर बच्चों की हालत खराब हो जाती है। सिर्फ मोआना डरती नहीं है क्योंकि वो बहुत बहादुर है। मोआना समुद्र के किनारे आ जाती है जहां वो एक छोटे से कछुए को पानी तक पहुंचने में उसकी मदद करती है, और मोआना के साफ दिल को देखकर समुद्र उसे अपने अंदर आने देता है और उसके साथ मस्ती करता है, और समुद्र मोआना को प्रकृति का दिल भी देता है। तभी वहां मोआना के बाबा आते हैं। वो मोआना से कहते हैं कि वहां खतरा है। उसके बाबा उसे गांव में वापस ले आते हैं जहां वो सब खुशी खुशी रहते थे, और अब मोआना बड़ी हो गई है, उसे समुद्र में जाना है, पर उसके बाबा ऐसा करने से रोक देते हैं। उसके बाबा इस गांव के मुखिया है और अब वो मोआना को सरदार बना देते हैं। मोआना भी अपने सरदार होने का पूरा फर्ज निभा रही है और मोआना सबकी मदद करती है। तभी मोआना के पास गांव की कुछ औरतें आती है और वो उसे नारियल की फसल दिखाती है जिसमें सारे नारियल अंदर से बेकार हो रहे थे। मोआना कहती है कि हम नए पेड़ लगाएंगे, पर तभी मोआना के गांव में किसी को भी मछलियां नहीं मिल रही थी। तब मोआना कहती है कि हम गहरे समुद्र में मछलियां ढूंढ सकते हैं। उसके बाबा कहते हैं कि तुम जानती हो किनारा छोड़ना मना है, ये हमारा कानून है। इससे मोआना गुस्सा हो जाती है। तब उसकी माँ आती है और उसे बताती है कि पहले तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे ही जैसे थे, वो भी गहरे समुद्र के शौकीन थे, पर एक दिन तुम्हारे बाबा ने अपने भाई को समुद्र में खो दिया और अब वो तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं। ये सब सुनकर मोआना बहुत उदास हो जाती है और मोआना नाव लेकर ओशियन के अंदर चली जाती है। वहां उसके साथ उसका पिग दोस्त भी होता है, पर मोआना की नाव पलट जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। मोआना मुश्किल से पानी से बचकर वापस किनारे पर आती है और उसका पिग दोस्त भी बच जाता है, पर तभी वहां उसकी दादी माँ आती है। मोआना उनसे कहती है कि बाबा सही थे, मुझे किनारा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब उसकी दादी कहती है कि ठीक है तो तुम जाओ, पर मोआना कहती है क्या आप मुझे कुछ कहना चाहती हो। तब दादी कहती है कि क्या तुम कुछ सुनना चाहती हो, और वो उसे लेकर एक जगह पर आ जाती है जहां मोआना को बड़े जहाज दिखाई देते हैं और वहां पर एक नगाड़ा होता है। मोआना उसे बजाती है। तब उसे पता चलता है कि पहले उसके गांव के लोग जहाजी थे। फिर वो दादी से कहती है कि पर हम ठहर क्यों गए। तब दादी उसे बताती है कि जब मावी ने प्रकृति का दिल चुराया तो समुद्र के राक्षस का आतंक फैल गया और हमारे जहाज वापस नहीं लौटे। तब लोगों की रक्षा के लिए सरदारों ने किनारे से दूर जाना मना कर दिया, पर एक दिन कोई किनारा छोड़कर जाएगा और मावी को ढूंढेगा और वो प्रकृति का दिल लौट आएगा। मैंने देखा था समुद्र ने तुम्हें चुना है, हमारे पुरखों ने कहा था कि मावी उस शूल के नीचे मिलेगा। फिर मोआना ये सारी बातें जाकर गांव वालों को बताती है जिससे उसके बाबा गुस्सा हो जाते हैं। तभी मोआना की दादी बहुत बीमार हो जाती है। मोआना उनके पास जाती है। उसकी दादी उससे कहती है मोआना तुम्हें जाना होगा, मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो प्रकृति का दिल लेकर नाव में बैठकर समुद्र में पहुंच जाती है। वो अकेले ही आगे बढ़ जाती है, पर उसे पता चलता है कि उसका मुर्गा भी उसके साथ नाव पर है। वो समुद्र को देखकर घबरा जाता है। मोआना उससे कहती है कि डरो मत, समुद्र मेरा दोस्त है। पर मोआना को तो नाव चलानी नहीं आती जिससे उसकी नाव पलट जाती है, और तभी तूफान भी आ जाता है। मोआना लहरों के बीच फंस जाती है, पर जब मोआना आंखें खोलती है तो वो मावी के टापू पर होती है जहां उसे मावी मिल जाता है। मोआना उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ प्रकृति का दिल लौटाने जाना होगा, पर वो मोआना को गुफा में बंद करके उसकी नाव लेकर वहां से निकल जाता है। फिर मोआना किसी तरह गुफा से बाहर आ जाती है और समुद्र मोआना की मदद करता है उसे नाव तक पहुंचाने में। मोआना मावी से कहती है कि क्या बात है, क्या तुम प्रकृति के दिल से डरते हो। तो मावी कहता है कि ये एक श्राप है, जब मैंने इसे छुआ था तब मेरा शूल खो गया, इसे मुझसे दूर रखो, इसे फेंक दो वरना बुराइयां आएगी इसे लेने के लिए। मोआना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रकृति का दिल वापस करेंगे। पर तभी उन पर जल डाकू हमला कर देते हैं, वो प्रकृति का दिल लेने आए थे। वो मोआना की नाव पर आ जाते हैं और मुर्गे और उस दिल को ले जाते हैं। मोआना उनके पीछे जाती है, फिर मुर्गे और दिल को बचा लेती है। वो और मावी उनसे बचकर निकल जाते हैं, पर मावी मोआना से कहता है कि मैं प्रकृति का दिल लौटाने नहीं आऊंगा, वहां पर लावा राक्षस है और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मुझे मेरा दिव्य शूल लेना है। तब मोआना कहती है कि प्रकृति का दिल लौटाकर तुम सबके हीरो बन जाओगे, अभी तो तुम सिर्फ एक चोर हो, जिससे मावी के दिल में हीरो बनने की चाह उठती है। फिर मावी कहता है कि इसके लिए मुझे मेरा शूल चाहिए। अब मोआना भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों उसका दिव्य शूल लेने के लिए निकल पड़ते हैं और वो टमाटुआ के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। मावी कहता है कि ये एक कबाड़ी है, इसके पास समुद्र की सारी कीमती चीजें मिलती है। और फिर वो पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं जहां मावी एक बड़े से दूर को खोल देता है और उसके अंदर कूद जाता है। फिर मोआना भी उसमें कूद जाती है और वो दोनों समुद्र के अंदर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मावी का दिव्य शूल दिख जाता है, पर उसे पाने के लिए उन्हें टमाटुआ का सामना करना पड़ता है जो चमकीली चीजों से बहुत प्यार करता है। मोआना उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है,
और मावी अपना शूल ले लेता है, पर वो अपने शक्तिशाली रूप में नहीं आ पाता, जिस वजह से टमाटुआ उसकी हालत खराब कर देता है। मोआना मावी को बचाने के लिए टमाटुआ को प्रकृति का दिल दे देती है, पर वो नकली दिल था। जब तक ये टमाटुआ को पता चलता है, मावी और मोआना वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर मावी मोआना से कहता है कि एक छोटी बच्ची ने मेरी मदद की और मैं उस केकड़े को भी नहीं हरा पाया था, तो मैं उस लावा के राक्षस से कैसे लड़ूंगा। हम कभी भी प्रकृति का दिल नहीं लौटा पाएंगे। फिर वो समुद्र में आगे बढ़ जाते हैं, जहां मोआना मावी को कोशिश करने को कहती है, पर मावी बहुत उदास होता है। मोआना मावी से उसके टैटू के बारे में पूछती है, पर मावी उस पर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद मोआना उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि समुद्र ने मुझे क्यों चुना, लेकिन मेरा टापू खत्म हो रहा है, इसलिए मैं वहां जा रही हूं और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। ये सब सुनकर मावी कहता है कि मैं पैदाइशी देव नहीं हूं, मेरे बाबा ने मुझे समुद्र में फेंक दिया और किसी तरह मैं देवताओं को मिल गया। उन्होंने मुझे शूल दिया और मुझे बनाया मावी, फिर मैं इंसानों के बीच पहुंच गया, मैंने उन्हें टापू बना कर दिए और जो मांगा वो दिया। फिर मोआना कहती है कि तुम्हें मावी बनाने वाले वो नहीं तुम खुद हो। ये सुनकर मावी खुश हो जाता है और वो शक्तिशाली बाज के रूप में आ जाता है। अब उसकी सारी शक्तियाँ आ जाती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब मावी मोआना को नाव चलाना भी सिखाता है। और आखिरकार वो प्रकृति के पास पहुंच जाते हैं और मावी प्रकृति का दिल लेकर आगे बढ़ता है, पर लावा राक्षस उस पर हमला कर देती है। मावी नाव पर वापस लौट आता है, पर लावा राक्षस उनकी नाव पर भी हमला कर देती है, जिससे बचने के चक्कर में मावी का शूल टूट जाता है और मावी बहुत उदास हो जाता है। मोआना उससे कहती है कि वो लावा राक्षस है, इसलिए वो पानी में नहीं उतर सकता, हम घूम के जा सकते हैं, पर मावी कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा शूल टूट गया है, बस एक और हमला और ये बिखर जाएगा, और अपने शूल के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। वो मोआना को प्रकृति का दिल दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। मोआना बहुत उदास हो जाती है। वो समुद्र से कहती है कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ। वो प्रकृति का दिल समुद्र को दे देती है। तभी उसकी दादी का औरा वहाँ आता है। मोआना उनसे कहती है कि मैंने कोशिश की दादी माँ, पर मैं नहीं कर पाई। दादी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम घर वापस जाओ, पर मोआना पानी में कूद जाती है और प्रकृति के दिल को वापस ले आती है। फिर वहाँ जाती है जहाँ उसका सामना लावा राक्षस से होता है। लावा राक्षस उस पर हमला कर देता है, पर मोआना किसी तरह उससे बचकर आगे निकल जाती है, पर उसकी नाव पलट जाती है। तभी मावी आकर उसे बचा लेता है और वो लावा राक्षस से लड़ने लगता है। वहीं मोआना प्रकृति के पास पहुंच जाती है। मावी लावा राक्षस पर अपने शूल से वार करता है, जिससे उसका शूल टूट जाता है। वहीं मोआना को पता चलता है कि लावा राक्षस ही प्रकृति है। मोआना उसे उसका दिल दिखाती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। प्रकृति भी उसके पास आ जाती है और मोआना उसका दिल उसे लौटा देती है, जिससे प्रकृति एक बार फिर से हरी भरी हो जाती है। फिर चारों तरफ हरियाली आ जाती है। मावी प्रकृति से माफी मांगता है और प्रकृति उसका शूल उसे लौटा देती है। प्रकृति मोआना को धन्यवाद कहती है और उसे नाव दे देती है और पहाड़ में समा जाती है। मोआना और मावी भी पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब मोआना अपने घर वापस चली जाती है। सब मोआना से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो सब एक बार फिर से जहाजी बन जाते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।